Next one, after discussing about arithmetic and relational operator, we are moving onwards logical operators in C. Sir, what is the use of logical operators? If you want to applying some logical conditions or logical expressions, then it should be right by using logical operators. Generally, what is the purpose of logical operators? Logical operators are used to combining more than one relational expressions. If we are having more than one relational expression or relational condition, then it should be merged by using, or it should be combined by using logical operators. Generally, logical operators ka purpose kya hai? अगर आपके पास एक से ज्यादा conditions, relational conditions अवेलेबल है और relational expressions, तो मल्टीपल relational expressions को कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइदर लॉजिकल नॉट और लॉजिकल और लॉजिकल एंड, लाइक दैट. लॉजिकल ऑपरेटर्स केस में दोनों ही केस है, देर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और. Here logical not is an unary operator. Logical not के साथ only single operand use करना possible है. Where and or logical or both are binary operators. But here since not is a unary, therefore it has highest priority. Next highest priority logical operator is and. Next highest priority logical operator is or. There are three logical operators in C. It can be applied any type of operand, any type of operand means logical operators किसी भी टाइप के operand के साथ यूज करना पॉसिबल है. सेम प्रायोरिटी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर रिजॉल्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. प्रायोर एसोसिएटिविटी रूल इज राइट टू लेफ्ट इन केस ऑफ बाइनरी, सॉरी राइट टू लेफ्ट इन केस ऑफ यूनरी, यूनरी मीन्स नॉट, एंड लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ बाइनरी, बाइनरी मीन्स एंड कॉमा और. बोथ आर फॉलोइंग लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल, नॉट विल बी फॉलोइंग राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल्स. जनरली इस केस में टू ऑपरेंड्स अप्लाई करें इन केस ऑफ एंड और इन केस ऑफ और. लेट्स सी दिस एक्सप्रेशन. इन केस ऑफ एंड, जनरली एंड का बिहेवियर क्या रहेगा, एंड के केस में टू ऑपरेंड्स अप्लाई, वेयर ऑपरेंड वन मस्ट बी सम कंडीशन लाइक अ कंडीशन वन और कंडीशन टू. व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स? इन केस ऑफ लॉजिकल एंड, इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज रिमेनिंग सभी केस में रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स. मीन्स एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है देन रिजल्ट इज फॉल्स. लेट्स सी दिस एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन टेबल. फर्स्ट वन, ऑपरेंड वन मीन्स कंडीशन वन, ऑपरेंड टू मीन्स कंडीशन टू. लेट ऑल कॉम्बिनेशन ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू, ऑपरेंड वन क्या इज ट्रू, ऑपरेंड टू इज ऑल्सो ट्रू. वॉट इज द लॉजिकल बिहेवियर ऑफ एंड? अगर एंड के केस में एक भी कंडीशन फॉल्स है देन रिजल्ट इज फॉल्स. बट हेयर बोथ आर ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन रिजल्ट इज ट्रू, और वी कैन से ट्रू मीन्स वन. ट्रू इवेल्युएट किस फॉर्म होगा, वन के फॉर्म में. सेम एज सेकेंड केस, सेकेंड केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट इज ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो. नेक्स्ट वन, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सेकेंड टेस्ट करने की नीड ही नहीं होगी, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है रिजल्ट इज फॉल्स, इन दैट केस ऑल्सो फॉल्स मीन्स जीरो, फॉल्स मीन्स जीरो. लॉजिकली सी के अंदर इसका प्रैक्टिकली रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, जीरो और वन के फॉर्म में. दोनों ही कंडीशन फॉल्स है देन अगेन ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स मीन्स जीरो. नेक्स्ट वन और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर. व्हाट मीन बाय और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, आइदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और सेकेंड कंडीशन इज ट्रू और बोथ इज ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू फाउंड हो रहा है देन रिजल्ट इज ट्रू, अगर एक भी, अगर दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स है इस केस में देन ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स इन फर्स्ट केस. और के केस में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो, सॉरी दोनों ही कंडीशन ट्रू, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू. ट्रू मीन्स वन. इन दैट केस फर्स्ट कंडीशन ट्रू, इफ एनी वन इज ट्रू ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू, अगेन टू और वन.
नेक्स्ट वन फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, वर्स्ट सेकंड इज ट्रू, सेकंड ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, अगेन ट्रू मींस वन. बट इन लास्ट केस, लास्ट केस में दोनों ही कंडीशन कैसे हैं, फॉल्स कंडीशन, दोनों फॉल्स हैं, रिजल्ट इज ऑल्सो फॉल्स मींस जीरो. दिस इज द बिहेवियर ऑफ लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर. व्हाट अबाउट लॉजिकल नॉट, सिंस लॉजिकल नॉट इज एन यूनरी ऑपरेटर, यूनरी तो इसके लिए ऑपरेंड कितने अप्लाई होंगे, ओनली वन ऑपरेंड, फर्स्ट वन, नॉट ऑपरेंड वन मींस दैट एक्सप्लेन, इस एक्सप्लेन फर्स्ट केस में वैल्यू क्या, ट्रू मींस नॉट ट्रू. अगर नॉट ऑपरेटर ट्रू के लिए अप्लाई करते हैं रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, फॉल्स के फॉर्म में. अगर नॉट ऑपरेटर फॉल्स के लिए अप्लाई किया जाते हैं रिजल्ट इज ट्रू, बट इन दैट केस रिजल्ट इज ट्रू. ट्रू मीन्स नॉट अप्लाई करें तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फॉल्स के फॉर्म में, फॉल्स मीन्स जीरो. सेम एज सेकेंड केस में भी ऑपरेंड क्या, ऑल्सो सॉरी सेकेंड वैल्यू भी क्या, ऑपरेंड वैल्यू के लिए ऑल्सो ट्रू. तो ट्रू के लिए नॉट अप्लाई करें, अगेन ये कन्वर्ट किस में करेगा, फॉल्स के फॉर्म में, सेम एज प्रीवियस. बट इन दैट केस फॉल्स, फॉल्स के साथ नॉट अप्लाई करेंगे, नॉट फॉल्स, रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, ट्रू और वी कैन से वन. नेक्स्ट केस में ऑल्सो नॉट फॉल्स, फॉल्स के साथ अप्लाई करो देने इसका रिजल्ट किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, ट्रू इज ऑल्सो वन. दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ऑल अबाउट लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन सी और लॉजिकल बिहेवियर. फर्स्ट वन, लॉजिकल ऑपरेटर किसी भी टास्क के ऑपरेंड्स के साथ यूज करना पॉसिबल. वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जनरली जरूरी नहीं है एवरी टाइम आप ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन सप्लाई करोगे, समटाइम डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी पास करना पॉसिबल है. इन सी लैंग्वेज जनरली टू टाइप्स के नंबर्स यूज करेंगे, ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करो जीरो और नॉन जीरो. जीरो मीन्स कंप्लीटली फॉल्स, अगर किसी भी प्लेस पर आपने जीरो पुट किया, जीरो मीन्स फॉल्स. एंड अगर आप किसी भी टाइप का नॉन जीरो नंबर यूज कर दो, एनी नॉन जीरो नंबर, मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटीजर और डेसिमल, नॉन जीरो नंबर विल रिप्रेजेंट ऑलवेज ट्रू. नॉन जीरो मीन्स ट्रू एंड जीरो मीन्स फॉल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सी दैट वन रिगार्डिंग बूलियन रिजल्ट्स. बूलियन रिजल्ट्स के केस में, अगर किसी भी एक्सप्रेशन केस में, अगर किसी प्लेस पर कंडीशन कंडीशन एक्सपेक्टेड है, कंडीशन के प्लेसेस पर आप सप्लाई क्या करो, आइदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स एनी नॉन जीरो नंबर, फॉल्स मीन्स ओनली जीरो. अगर किसी भी कंडीशन के प्लेस पर जीरो ऑकर हुआ है, देन कंडीशन का लॉजिकल मीनिंग क्या होगा, फॉल्स. नॉन जीरो के केस में मीनिंग क्या होगा इसका, ट्रू. नेक्स्ट वन, आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन वी आर डिस्कसिंग मच एग्जाम्पल्स अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स. क्लियर.